आपको बारिश में कुछ गर्मा गर्म खाने का मन कर रहा हो और साथ ही साथ वो डीप फ्राई ना हो और बहुत ज्यादा हेल्दी हो, तो उस टाइम पे आप ये मसाला बाटी ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी लगती है। अगर आपने एक बार बना लिया ना, तो यकीन मानिए बार बार इस तरह से बनाएंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ये टेस्टी के साथ साथ हेल्दी है। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं हमने एक बाउल लिया है। बाउल में डालेंगे यहाँ पे 1 कप गेहूं का आटा। तो यहाँ पर हमने गेहूं के आटे का यूज किया है। जिस कप से हमने 1 कप गेहूं का आटा लिया, उसी कप से आधा कप यहाँ पे लेंगे सूजी। सूजी यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं, मोटी वाली या फिर महीन वाली, दोनों चलेगी। और उसी के साथ यहाँ पे डालेंगे आधा चम्मच अजवाइन। अजवाइन का फ्लेवर जो होता है कचौड़ी वगैरह में बहुत अच्छी लगती है, इसलिए जरूर से यूज करिएगा। उसके बाद यहाँ पे डालेंगे स्वाद के हिसाब से नमक। फिर हम यहाँ पे लेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हाथों पे इस तरह से क्रश करके डालेगा ताकि एकदम महीन सी हो जाती है। साथ ही साथ इसका फ्लेवर जो होता है कचौरी समोसा पकौड़ी में बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए यहाँ पे कसूरी मेथी का यूज जरूर करिएगा। अब यहाँ पे डाल देंगे हम 2 चम्मच तेल। तेल के जगह आप चाहे तो देसी घी का भी यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ देख सकते हैं सारी चीजें हमने डाल दिया। इसी से हाथों से मसल मसल के यहाँ पे सारी चीजों को मिक्स कर लेना है। तो यहाँ देख सकते हैं हाथों से मसल मसल के सारी चीजों को हमने फटाफट मिक्स कर लिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के यहाँ पे सॉफ्ट सा आटा लगा लेना, जैसे चपाती वगैरह हम बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही। यहाँ देख सकते हैं सॉफ्ट सा आटा हमने लगा लिया है। अब आटे को फूलने के लिए रख देंगे साइड में, तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं हमने लिया एक बाउल। बाउल में डालेंगे यहाँ पे 2 हमने यहाँ पे बड़े साइज का आलू लिया है। दोनों आलू उबले हुए हैं, आलू को यहाँ पे फोड़ लेना है। आलू यहाँ पे ठंडा है, आलू को यहाँ पे मैश कर लीजिए। तो यहाँ देख सकते हैं आलू को हमने मैश कर लिया है। अब इसमें डालेंगे कुछ बेसिक मसाले, जिसकी वजह से हमारी जो स्टफिंग होगी बहुत ही चटपटी बनेगी। तो आधा चम्मच हमने यहाँ पे डाल दिया हल्दी पाउडर, आधा चम्मच यहाँ पे डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच सौंफ का पाउडर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी लगती है, आधा चम्मच यहाँ पे चाट मसाला, आधा चम्मच यहाँ पे आमचूर पाउडर और आधा चम्मच यहाँ पे हम अब आधा चम्मच हम यहाँ पे लेंगे धनिया पाउडर। उसके बाद हम डाल देंगे यहाँ पे बारीक कटा हुआ ढेर सारा हरा धनिया। अब हमारी स्टफिंग में सारी चीजें हमने डाल दी है, बहुत अच्छी स्टफिंग लगती है। अब यहाँ पे सारे यहाँ पे स्वाद के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक डाल देते हैं। अब सभी चीजों को यहाँ पे क्या करना, हाथों से मसल मसल के मिक्स कर लीजिए ताकि सारे मसाले जो है आलू में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ देख सकते हैं सारे मसाले आलू में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब फटाफट से क्या करना है, स्टफिंग को रखना है साइड में और यहाँ पे लेना है 1 चम्मच। चम्मच से यहाँ छोटे छोटे बॉल, जितनी बड़े नींबू वगैरह होते हैं ना, यहाँ छोटे चम्मच 1 चम्मच हमने लिया है, बिल्कुल वैसे यहाँ पे गोल गोल हमें यहाँ पे बॉल बनाने हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आलू की स्टफिंग जो हमने बनाई थी उससे गोल गोल बॉल हमने बना लिए हैं। तो यहाँ पे एक बॉल को रख देंगे साइड में। उसके बाद यहाँ पे लेंगे आटा। आटा को थोड़ा सा इस तरह से फिर से मसल लीजिए, क्योंकि फूल गई है तो थोड़े से और यहाँ पे सॉफ्ट कर लीजिए इसे मसल मसल के। तो मसल के हमने सॉफ्ट कर लिया है। इसमें से 2 भाग हम करेंगे। तो इसमें से देख सकते हैं 2 भाग हमने कर लिया है, 1 भाग हमने यहाँ पे ले लिया है। उसे पेड़े साइज में यहाँ पे गोल सा हम बना लेंगे इस तरह से और इसे हल्का सा चिपटा कर लेंगे। लगा लेंगे थोड़ा सा सूखा आटा। फिर यहाँ पे बड़ी सी चपाती जैसे बेलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बेलेंगे और थिकनेस इसकी थोड़ी मोटी रखेंगे, यानी चपाती जैसे साइज में बड़ी बेल लेंगे लेकिन थिकनेस यहाँ देख सकते हैं चपाती थोड़ी मोटी हमने रखी है। अब यहाँ पे आप ग्लास कटोरी या कोई भी चीज ले सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा हम स्प्रिकल कर लेते हैं यहाँ बारीक कटा हुआ धनिया और उसपे से थोड़ा सा आटा यहाँ पे छिड़क लेते हैं, डस्ट कर लेते हैं आटे को। अब 1-2 बार यहाँ बेलन चिप चला देते हैं इस तरह से, ताकि जो धनिया होगा वो आटे में चिपक जाए। तो इसके लिए यहाँ पे हमने बेलन चला लिया है। तो यहाँ पे बेलन चलाने के बाद बेलन को रख लेंगे साइड में। धनिया यहाँ पे अच्छे से देखिए चिपक गई है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लिया हमने कटोरी, आप चाहते हैं गिलास का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे गोल जैसे पूरियां होती है बिल्कुल उस साइज में यहाँ पे हमें काटना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम इस तरह से काट रहे हैं कटोरी की मदद से। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे काट लिया है। अगर आप एक बार इस तरह से रेसिपी बना लेंगे ना आटे की, यकीन मानिए मतलब इतने ज्यादा ये स्वादिष्ट लगते हैं कि हम क्या ही बताएं। एक बार आप ट्राई करने के बाद आपका बार बार मन कर जाएगा इस तरह से बनाने का, बिना किसी टेंशन दिक्कत की फटाफट से बन जाने वाली रेसिपी है। और यहाँ हमने देख सकते हैं 1 पूरी हमने उठाई है, बाकी का आटा हमने किनारे रख दिया। 1 पूरी को हमने उठाया है, फिर हमने जो बॉल बनाई थी उस बॉल को हमने रख दिया इस पूरियों के बीच में और जैसे स्टफिंग करते हैं बिल्कुल वैसे ही करके ऊपर से अपने आटे का मुंह कर दिया सील। और बाकी का आटा जो एक्स्ट्रा आटा था हमने निकाल लिया और इसे गोल सा हल्का हाथों की मदद से गोल और कर लेते हैं। ये देख सकते हैं गोल सा हमारा बॉल बन के तैयार है। अंदर आलू की स्टफिंग है, ऊपर से आटा। तो यहाँ हमारा देख सकते हैं स्टफिंग बन के बॉल बिल्कुल तैयार है। ऐसे में क्या करना है, बाकी के सारे बना लेना। मैं दूसरा भी आपको दिखा रही हूँ। यहाँ 1 पूरी उठाएंगे और उस पर रख देंगे यहाँ पे आलू की स्टफिंग जो हमने बॉल बनाई थी और इसे ऊपर से सील कर देंगे। इस तरह से दबाते हुए अच्छे से सील करिएगा वरना ये बाद में खुलने लग जाती है। और इस तरह से गोल कर लेंगे इसे हाथों के पंजों की मदद से। ऐसे में क्या करना है, सारे बना लेने हैं। यहाँ देख सकते हैं सारे हमने यहाँ पे
मसाला बाटी बना के तैयार कर लिए। फटाफट से क्या करना है, गैस की ओर चलना है दोस्तों। तो यहाँ देख सकते हैं हमने गैस पे रख दिया है अप्पे मेकर। यहाँ पे अप्पे मेकर हमने लिया है। अप्पे मेकर को हल्का हल्का ऑयल से हम क्या करेंगे, ग्रीस कर देंगे इस तरह से, ज्यादा नहीं। सिर्फ आप ब्रश में एक बार ऑयल लगा लीजिए और सारे मेकर को अच्छे से, यहाँ पे जितने यहाँ पे होल्स हैं उसमें अच्छे से यहाँ पे ब्रश से आप हल्का हल्का ऑयल को ग्रीस कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे एक एक हमने जो बाटी बनाई है उस बाटी को इस तरह से देखिए रख दीजिए। आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा ये टेम्पटिंग, कितनी ज्यादा ये स्वादिष्ट आपको देखने में लग रही होगी। बनने के बाद इतनी ज्यादा ये क्रिस्पी और स्वादिष्ट लगती है कि हम क्या बताएं। एक बार इस रेसिपी को अगर आप ट्राई कर लेंगे तो बार बार इस तरह से आपके भी घर में लोग बोलेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं हमने गैस पे चढ़ा दिया है, अब ये बाटियां होने लगी। फटाफट से क्या करेंगे, इसे ढक देंगे कुछ सेकंड के लिए। यहाँ पे ढक देना है और गैस का फ्लेम यहाँ दोस्तों मीडियम रखिएगा, हाई बिल्कुल मत रखिएगा, क्योंकि धीमे आंच पे ये अच्छी पकती है। अगर आप गैस का आंच तेज कर देंगे तो क्या होगी, ये जलने लग जाएगी। तो ऊपर से थोड़ा थोड़ा ऑयल हम और लगा देते हैं क्योंकि हमें पलटना है यहाँ पे, दूसरी तरफ भी अच्छे से सिकनी चाहिए। तो हल्का हल्का हम यहाँ पे ऑयल और लगा देते हैं। ये देखिए इसे पलट लेते हैं और ये देख सकते हैं कितनी अच्छी सिकने लग गई है, बहुत ही अच्छी से ये सिक रही है। गैस का फ्लेम मीडियम है, यहाँ पे आपको 3 से 4 मिनट लग जाएंगे सिकने में। तो जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए, गैस का फ्लेम मीडियम रखिएगा, मीडियम फ्लेम पे अच्छे से सिक जाएगी। तो यहाँ देख सकते हैं सारी बाटियां अच्छे से सिकने लग गई है। तो इसे कुछ देर के लिए, सेकंड के लिए और कम से कम 10-12 सेकंड के लिए इन्हें और ढक देते हैं। 10-12 सेकंड बाद आप देख सकते हैं बाटियां यहाँ पे चारों तरफ अच्छे से सिक गई हैं, बिल्कुल कहीं से कच्ची नहीं। मैं आपको उलट पलट के दिखा रही हूँ कितनी ज्यादा ये अच्छे से हुई है। तो ऐसे हमें क्या करना है, सारे बाटियों को थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन अच्छे सीखी है, कच्चे नहीं रह पाए। तो यहाँ देख सकते हैं सारी बाटियों को हमने अच्छे सेक लिया। यहाँ पे टोटल 6 से 7 मिनट लग गए मुझे बाटियों को सिर्फ यहाँ पे सेकने में, और ये सेक के बिल्कुल तैयार है। इस तरह की रेसिपी आप बनाइए। अगर साइड साइड से कच्चे हैं तो देख सकते हैं आप इस तरह से उलट पलट रहे हैं, तो आप इन्हें किनारे वाला हिस्सा भी आप इन्हें अच्छे से सेक सकते हैं। तो यहाँ सारी बाटियां सेक के हमारी बिल्कुल तैयार हैं। यहाँ हेल्दी टेस्टी सी यहाँ मसाला बाटी बन के तैयार है। तो बरसात के दिनों में इस तरह की बनाइए, खाइए, बहुत ही अच्छे लगते हैं। समोसा, कचौरी, पकौड़ी, सारे नाश्ते को भूल जाएंगे। ये इतनी ज्यादा मतलब यम्मी लगती है। तो फटाफट से आप इस रेसिपी को ट्राई करिए। मैं आपको यहाँ पे तोड़ के दिखा रही हूँ, ये कितने भी बहुत गर्म है, ये दिखा रही हूँ मैं कितनी ज्यादा ये क्रिस्पी बनी है दोस्तों। तो ये देखिए कितनी ज्यादा ये क्रिस्पी बनी है, मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। अंदर से इसकी स्टफिंग देख सकते हैं कितनी ज्यादा चटपटी स्पाइसी सी स्टफिंग है। तो इस तरह का नाश्ता बना के आप बच्चों को दीजिए, खुद खाइए, घर में सबको खिलाइए, लोग आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे, इतनी ज्यादा ये अच्छी लगती है। तो चलिए फटाफट वीडियो, आज का वीडियो बंद करते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। तो दोस्तों आपसे हमारी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, आज अगर हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपको दूसरा भी यहाँ बाटी तोड़ के दिखा रही हूँ, मतलब यहाँ दिखा रही हूँ कोई बाटी यहाँ पे कच्ची नहीं है, अच्छे से सिक गई है, अभी गर्म है तो मैं इसे अच्छे से नहीं पकड़ पा रही हूँ, बहुत ही अच्छी सी बन गई है। तो यहाँ देख सकते सारी बाटियां बनके तैयार है। फटाफट चलिए, इन्हें सॉस के साथ मत खाइए, केचप चटनी के साथ मत खाइए, किसी भी चीज के साथ मत खाइए, आप ऐसे ही खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। मिलते हैं अगली रेसिपी में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।